हेलो, हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम मीना है, मीना पासवान। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बिहार से बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी से बात करिए। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, बहुत कल्याण हो आपका। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बताइए। गुरु जी, मुझे ना दो दो बातें पूछनी है। मेरा रेलवे में हमको जॉब करने का मन करता, बार बार देती हूँ, पास भी कर जाती हूँ, फाइनल में नहीं होता है। और दूसरा शादी के मैटर में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताए। डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरा सही, आप मेरा नाम सही बता दीजिए। ठीक है, कितने साल के हैं आप? 35 होंगी। आपका हाइट 5 फुट 2 इंच है या 5 फुट 1 इंच है? मेरा हाइट है 5 फुट 3 इंच, मतलब 2 के आसपास। हाँ, 3 तो खैर नहीं होगा, 2 से ज़्यादा हो सकता, 3 तो नहीं हो सकता। ये तो आपकी आवाज़ से मैच नहीं करेगा, वरना फिर तो हम ना आपके नाम से कुछ बता पाएंगे और ना ही आपकी आवाज़ से कुछ बता पाएंगे। तो खैर, हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, लगभग ठीक ही जा रहा है जी, ठीक ही जा रहा है। खैर, एक तो आप इस बात को माने कि आपका कोई भी काम जल्दी से नहीं होता। हाँ, ये बात सही है। वो केवल नौकरी की बात नहीं है, वो केवल जॉब की बात नहीं है, और आपको बार बार एक ही चीज परेशान करती है, एक ही वस्तु बार बार लाइफ में परेशान करती है, वो चाहे कोई भी हो। आपको समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, समझ में आ रही है जी, बहुत धन्यवाद। तीसरी, आपका जितना भी प्रयास है वो 100% रहता है। आपकी कुंडली कहती है कि आप 100 में 99 पहुंच करके वापस आती हैं। गुरु जी, मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अच्छा, ये नहीं बताऊँ आपको जॉब के बारे में? हाँ, जॉब के बारे में भी बताइए और शादी के बारे में। शादी से पहले एक बात बता दूंगी गुरु जी, मैं एक लड़का से प्यार करती थी बहुत दिनों, जान से ज्यादा, वो भी मुझे बहुत प्यार करता था, तो वो बाद में मुझे नहीं शादी किया, तो मैं उसके ऊपर केस कर दी हूँ। केस अभी मेरा 3 साल से चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। जब उसके सामने मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत चक्कर आने लगता, लगता कि अब गिर जाऊंगी, अब मर जाऊंगी, इस तरह का होता। उसकी वजह से कितने साल मैं हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ, अब मुझे जीना नहीं होता, डायबिटीज भी पकड़ लिया उसके कारण। मैं बहुत परेशान हूँ लाइफ से, मैं एकदम जीना ही नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खुद अकेले रहती हूँ। इतना लंबा खींचना ही नहीं था बेटा, हम तो पहले आपको इशारे में कहा ना, एक ही चीज बार बार परेशान करती है। तो गुरु जी, एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे लाइफ में कोई लड़का शादी, मेरे शादी नहीं होगा क्या? मैं चाहती हूँ कोई जॉब वाला सा हो जाए और मैं खुश रहूँ, इस तरह कहीं तो नहीं। ये ठीक है, होगा, आपका विवाह होगा लेकिन आपके जॉब के बाद होगा। आपको कुछ उपाय करने होंगे जिससे आपका विवाह भी होगा और जॉब भी होगा और लड़का भी आपको अच्छा और अनुकूल मिलेगा। वो कब तक मिलेगा गुरु जी? आप उपाय नोट कर लीजिए। हाँ, बोल दीजिए। सबसे पहला तो आपको काम करना है कि सोमवार यानी 16 सोमवार का व्रत से संकल्पित उठाना है, भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाना है, अष्टगंध से राम लिख करके, 3 पत्तियां होती, एक में रा, एक में आ और एक में माँ, ऐसे लिखना है, रा आम, ऐसे रा आ का डंडा दूसरे में, फिर तीसरे में माँ, ऐसे करके लिखेंगे, अष्टगंध से वो चढ़ाएं भगवान शिव के ऊपर। और इसके साथ साथ यदि संभव हो सके तो आप एक ही गन्ने को के जितने भी गांठे होती ना, वो गांठ हटा हटा करके भगवान शिव के ऊपर हर सोमवार के सोमवार चढ़ावें। ऐसा करने से आपके जीवन की जितनी भी गांठे हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, खराब चीज़ें हैं, कटुता है, अव्यवस्थाएं हैं, वो सब ठीक हो करके आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और आपको आपका जो मार्ग है वो थोड़ा सुगम हो जाएगा। धन्यवाद आचार्य जी। अभी हम वायलेंस की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस हो, एक दूसरे से मतभेद हो, लड़ाई झगड़े हो, एट द एंड ऑफ द डे हर कोई बस यही जानना चाहता है कि इसके उपाय क्या है, बस बचना है इससे, बचना है इससे, इससे हम बाहर कैसे आ जाएं, बाहर कैसे। देखो, ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी हम कॉलर को ले लें जी, जब तक आपको एक पक्ष बहुत अनुकूल लगता रहेगा तब तक वो चीज कभी ठीक होगी ही नहीं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ की प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल। एक तरफ से नहीं हो रहा, एक कुछ तरफ से नहीं, ये वन वे नहीं है, ये दोनों तरफ की व्यवस्था है। तो जो भी मधुर चीजें हैं जिसे खा के आपको सुख मिलता हो, अच्छी वस्तुएं हो, जिनको आप पकवान में गिन सकते हो, उनका भोग लगाएं। हलवा है, खीर है, शहद है, मिठाई है, रबड़ी है,
खीर है, बहुत सारी चीज़ें जो भी मीठी और अच्छी हो सकती है उनका भोग लगाएं, उन लोगों को दें जो लोग इसको सहजता से नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, आपके घर में फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सब उपाय बहुत बहुत सामान्य है, आपको ये कस्टमाइज सुविधा है ना, ज्योतिष 100% कस्टमाइज सोल्यूशन है, पर्सन टू पर्सन। हम जब प्रवचन करते हैं तो एक साथ हजारों दसियों हजार लोग सुन रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो एक जनरल चीज है, एक जनरल हम बात कह रहे हैं, बिल्कुल। हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, हम आपको कुछ हो गया है वो बता रहे हैं। आचार्य जी, जो पॉजिटिविटी, ट्रस्ट और उम्मीद आप लोगों के मन में, व्यूअर्स के मन में जगाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लव लाइफ या करियर लाइफ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808-1426-940।